कहना चाहती हूँ। पहले हम देखेंगे हम इसे हैंडल मशीन क्यों कहते हैं। हम इसे हैंडल मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे हाथ से ऑपरेट करते हैं। हाथ से ऑपरेट करके हम किसी भी दीवार पर इसे छेद बना सकते हैं, चाहे वो लकड़ी का दीवार हो या सीमेंट का। इससे ज्यादातर हम मक्खियों के दीवार पे होल बनाते हैं। इस तरीके से हम ज्यादातर मक्खी पतली दीवार पे होल बनाते हैं क्योंकि इसे हाथ से हम ऑपरेट करते हैं। स्पीड ज्यादा नहीं होती है और फोर्स भी ज्यादा नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी होल नहीं बना सकता है मोटी दीवारों में। इसके लिए हमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स में क्या क्या आते हैं। दोनों साइड सर्कुलर क्लोज होता है, रिंग शेपर के होता है। इसके जो दोनों साइड होते हैं वो रिंग शेपर होते हैं। हम उसे यूज करते हैं अगर कहीं भी फॉर एग्जाम्पल नट होगा तो हम उसे ऊपर स्पैनर को ऊपर रखकर उसे क्लोज भी कर सकते हैं या टाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्बिनेशन स्पैनर। जो कॉम्बिनेशन स्पैनर होता है ये एक साइड रिंग शेपर होता है और दूसरी साइड ओपन एंडेड होता है। इसके जो ओपन साइड इसका होता है वहाँ से हम वहाँ पे भी हम टाइटनिंग या लूजनिंग के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद है ओपन एंडेड स्पैनर। जो ओपन एंडेड स्पैनर है वो कुछ इसके जैसे दिखता है। उसका जो एक जॉ होता है वो 6 mm का, उसका 6 mm होता है और दूसरा जो उसका जॉ होता है वो 7 mm होता है। वो भी हम यूज करते हैं फॉर टाइटनिंग एंड लूजनिंग के लिए। इसके बहुत सारे साइज आते हैं जैसे ये बहुत लंबे, इसके बहुत बड़ा स्पैनर होता है क्योंकि हम हाथ से यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता है तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम हाथ से ही यूज करते हैं। तो ये इसका फ्रेम है और ये इसकी हैंडल जहाँ पर हम हाथ रख के ये यूज करते हैं और ये इसकी ब्लेड है। ये हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम इसे कोई पाइप कट करते हैं तो ये ब्लंट हो जाता है, इसे दूसरी पाइप हम नहीं कट सकते तो हम इसे ब्लेड चेंज करते हैं इसकी। तो ये यूज किस लिए होता है, ये हम इसे मेटल पाइप्स को यूज करते हैं। इस मेटल पाइप्स को हम काटते हैं इससे, लेकिन मेटल पाइप्स के अलावा भी ये कई और पाइप्स को भी काटता है। जैसे प्लास्टिक पाइप है हम इसे प्लास्टिक पाइप भी काटते हैं और स्टील पाइप भी हम इसी से काटते हैं।